नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम देश का नंबर वन न्यूज शो, जिसमें अगले एक घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत, सबसे पहले बात चीन की। चीन चालबाज है, धूर्त है, कायर है। एलएसी पर हार के बावजूद ड्रैगन नहीं सुधरा। दोस्ती का ढोंग करने वाले ड्रैगन ने भारत विरोधी साजिशें बंद नहीं की हैं। इस साजिश में चीन का साथ बराबर पाकिस्तान दे रहा है। दो दुश्मनों ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका को साधना शुरू किया है। इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका के मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने काम किया चाइनीज एजेंट की तरह। श्रीलंका में ड्रैगन की डुगडुगी बजाने वाले कठपुतली सुल्तान का प्लान क्या है? क्यों इमरान की कोलंबो डील को बेहद विस्फोटक बताया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ड्रैगन का समुद्री वॉर सिग्नल, पाताल में एटमी धक धक। का मिशन कोलंबो, चिनपिंग का डेडली ऑफर जंबो। क्या एलएसी के बाद चीन समंदर में साजिश रचने लगा? कोलंबो एयरपोर्ट पर मेला लगा था, खास मेहमान आने वाला था, इस्तकबाल जोरदार होना था, रंगारंग प्रोग्राम, डांसर थे, बैंड बाजे के साथ सलामी देने फौज खड़ी थी। मेहमान आया, विमान से उतरा, ग्रैंड वेलकम शुरू हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आगवानी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे प्रोटोकॉल तोड़कर करने पहुंचे। इमरान खान इज्जत अफजाई से गदगद थे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पाकिस्तानी पीएम को तोपों से सलामी दी गई। एक देश के प्रधानमंत्री का दूसरे देश में जैसा स्वागत सत्कार होना था, हुआ। इमरान खान को श्रीलंका में खूब इज्जत बख्शी गई, लेकिन खान साहब ने जैसे ही श्रीलंका विजिट में मुंह खोला, उनकी पोल खुल गई। जनाब तो एक खास मकसद से श्रीलंका में पहुंचे थे। सेल्समैन बनने चले पाकिस्तानी सुल्तान, सेल्समैन बनकर रह गए। पाकिस्तान के सुल्तान ने शी जिनपिंग के चाइनीज सामान की श्रीलंका में जमकर मार्केटिंग की। दो कौड़ी के चाइनीज सामान को वो सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ बताने पर तुल गए। श्रीलंका को झांसे में लेकर इमरान खान ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जिसे देख सब दंग रह गए। पाकिस्तानी पीएम तो जैसे कह रहे थे कोलंबो में चीनी कठपुतली जिनपिंग का सेल्समैन नकली। सूद खोर ड्रैगन से रहना संभलकर इमरान का चक्कर श्रीलंका बचकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों का दौरा करें, किसी से भी दोस्ती करें या समझौते,
भारत को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की विदेश नीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब ये शातिर दुश्मन बारूदी खुराफात करने लगे तब सतर्क रहने की जरूरत है। श्रीलंका दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिनपिंग के दरबारी का रोल निभाया और किसी सेल्समैन की तरह चीनी सामानों की सौदेबाजी के लिए श्रीलंका को रिझाते रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंका को सीपैक यानी अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का लालच दिया। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट की वाहवाही कर रहे इमरान का असल मकसद क्या है ये बताएं, उससे पहले इस प्रलोभन का प्रपंच क्यों रचा गया ये जानते हैं। चीन के शिनचियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। सीपीईसी पाक के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से गुजरता है। सीपैक पर भारत सख्त एतराज रखता है, यही वजह है जो चीन और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में सभी पड़ोसी देशों को शामिल करने की चाल चल रहे हैं। लेकिन श्रीलंका को चीनी ट्रैप में उलझाने के पीछे कई और वजह हैं। एलएसी और एलओसी दोनों फ्रंट पर मुंह के बल गिरा चीनी तानाशाह अब समंदर में उत्पात मचाने के लिए बेकरार है। हिंद महासागर में उत्पात मचाने के लिए वो श्रीलंका की मदद चाह रहा है और उसके ख्वाब को पूरा करने में इमरान खान भी दिन रात लगे हुए हैं। अपने श्रीलंका दौरे में इमरान खान जिनपिंग की शान में कसीदे गढ़ते रहे, तो क्या चीनी सुल्तान का काम बन गया? पाकिस्तानी सेल्समैन ने जिनपिंग को सौदे में कितना फायदा पहुंचाया ये वक्त बताएगा। लेकिन श्रीलंका शायद ही कभी ड्रैगन के झांसे में फंसे, क्योंकि उसे चीनी तानाशाह ने जमकर चूना लगा रखा है। श्रीलंका ने साल 2007 से 2014 के बीच चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया। चीन और श्रीलंका हम्बनटोटा बंदरगाह मिलकर बना रहे थे, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 85% थी। इसके बाद श्रीलंका पर चीन का कर्ज बढ़ता गया, जिसे चुकाने के लिए उसे साल 2017 में अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 सालों के लिए सौंपना पड़ा। केवल श्रीलंका ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है। चीन पहले छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उन्हें अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, ये पूरी दुनिया जानती है। श्रीलंका तो खुद भुक्तभोगी है। चीन की तरह पाकिस्तान जैसे धोखेबाज पर कैसे भरोसा करेगा? ये वही पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकवादियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को सीरियल बम धमाकों से दहला दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इमरान खान श्रीलंका में इसी को बहाना बनाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ये ढोंग है, सरासर ढोंग। ढोंगी सुल्तान की हकीकत से दुनिया वाकिफ है। श्रीलंका को समझने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। वैसे भी श्रीलंका में 3 दफे बेइज्जती करवा चुके इमरान अपने देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। श्रीलंका की संसद में मुसलमानों पर लंबा चौड़ा भाषण तैयार कर बैठे इमरान को बोलने की इजाजत तक नहीं दी गई। इतनी बेइज्जती के बाद भी कठपुतली सुल्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही, ये सबसे हैरानी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।